एक्सट्रो पावर एट को कैंसिल करेंगे हमें फॉर्म आ जाएगी टेन एक्स वाई माइनस इक्वल टू नाइन इसे कन्वर्ट करेंगे जो कि हमारा फॉर्म है नेक्स्ट हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें p की वैल्यू आ जाएगी माइनस टेन वैल्यू आ जाएगी माइनस नाइन बाई स्क्वायर हमें पता है कि स्टैंडर्डियल डी वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू होती है e पावर इंटीग्रेशन p डी एक्स हमारे पास p की वैल्यू माइनस टेन बाय एक्स है तो हमें मिल जाएगा ईट पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टेन बाई एक्स डी एक्स वन इंटीग्रेशन वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन

इक्वल टू क्यू अगर हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो इसकी सोल्यूशन होती है वैल्यू प्लग इन करने पे फाइनली हमें रिजल्ट मिलेगी फाइनली हमें जो रिजल्ट मिलेगी वो होगी वाई टाइम्स एक्स टू पावर माइनस टेन माइनस नाइन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर माइनस ट्वेल्व डी एक्स प्लस सी एक्स टू पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स टू पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन हो जाएगी हमें मिल जाएगी वाई टाइम्स ऑफ एक्स टू पावर माइनस टेन इज इक्वल टू नाइन बाय अलेवन टाइम्स ऑफ एक्स टू पावर माइनस अलेवन प्लस सी एक्स टू पावर टेन बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे हमें कुछ मिल जाएगी कुछ इस तरह से हमें पता है कि एफ ऑफ वन की वैल्यू टू होती है सी की वैल्यू आ जाएगी थर्टीन बाय अलेवन फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू नाइन बाय अलेवन एक्स प्लस थर्टीन बाय अलेवन एक्स टू पावर टेन जो कि आई थिंक ऑप्शन नंबर बी है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू